जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है और कौन से एनिमल में किस प्रकार का ब्लड का सर्कुलेशन पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, और हम बात करेंगे धमनी और सिराओं के बारे में कि कौन सी सिरा में या कौन सी धमनी में प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन तीन टाइप का होता है, मतलब तीन प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण जिसको कहते हैं हिंदी में, और इसकी खोज विलियम हार्वे ने की। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। ब्लड सर्कुलेशन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? आप लोगों ने स्नेल देखा होगा जिसको घोंगा कहते हैं, स्नेल देखा होगा, शंख देखा होगा, सीप देखा होगा जो समुद्र में पाए जाते हैं, और जो स्नेल होता है वो तालाब में भी पाया जाता है। ठीक, उसमें जो कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें जो है ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओपन टाइप का क्यों ब्लड सर्कुलेशन होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई नर्व नहीं पाई जाती है, मतलब कोई ना वेन पाई जाती है ना आर्टरी पाई जाती है। ऐसे सिचुएशन में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन उसको कहते हैं। उनके ऊपर जो है आउटर कवर जो वाह्य कंकाल होता है, वो वाह्य कंकाल से उनकी शरीर जो है घिरी हुई होती है। आप लोगों ने स्नेल देखा होगा तो उसके ऊपर से मतलब चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ होता है, वो वाह्य कंकाल से घिरा हुआ होता है। ऐसा क्यों? ये इसलिए बनाया गया है, ऐसा ऊपर वाले ने इसलिए ऐसा बनाया है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं हो रहा है, किसी पार्ट में ज़्यादा हो गया है, तो वो पार्ट स्वेल कर जाएगा। दूसरे टाइप का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप का होता है। जो क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हम सब लोगों में पाया जाता है, मतलब जो हायर कार्डेट के एनिमल होते हैं उनमें जो है क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, जिसमें जो है नर्व होते हैं, मतलब वेंस होती हैं, आर्टरी होती हैं, और ब्लड जो है प्रेशर से जाता है और प्रेशर से वापस आता है। 120/80 प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है 120 के रफ्तार से ब्लड जो है हमारी हेड से निकलता है और शरीर में जाता है, और जब वो रिटर्न होता है तो वो 80 के रफ्तार से रिटर्न होता है। अब बात होती है कि मिक्स टाइप का ब्लड सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है। जो मिक्स टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा वो जो है पाइसेस जो फिश होती हैं उसमें पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें जो फिन होते हैं उनमें जो है जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उनमें नर्व पाया जाता है, लेकिन जो बॉडी होती है उसमें जो है ब्लड सर्कुलेट जब होता है तो उसमें नर्व नहीं पाया जाता है, उसमें जो है बिल्कुल ओपन टाइप का पाया जाता है। लेकिन जिसमें जो फिन होता है उसमें जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो उसमें नर्व पाया जाएगा, इसलिए उसको मिक्स टाइप का कहते हैं। ठीक, जब आप लोग मछली काटते होंगे तो उसमें खून इतना प्रेशर से नहीं रिलीज होता होगा जितना प्रेशर से आप मुर्गे को काटेंगे तो निकलेगा। ठीक, अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन क्या है, क्लोज टाइप का क्या है और मिक्स्ड टाइप का क्या है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसके लिए भाई रास्ता भी चाहिए सर्कुलेट होने के लिए, तो वो कौन सा है? तो ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनी, रक्त जाने का मार्ग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको ल्यूमन कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए ये नर्व है, इसके अंदर जो स्पेस है खाली स्पेस, इसको जो है ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टरी के बारे में, जिसको धमनी कहा जाता है। आर्टरी के बारे में बात करते हैं, आर्टरी क्या करता है? आर्टरी जो है वो ब्लड जो है हेड से ले जाकर के हमारी बॉडी को देता है। ठीक, सबसे पहला सबसे अच्छा डिफिनीशन यह है, आर्टरी जो है हेड से ले जाकर के बॉडी को देता है। आप लोग एक ट्रिक से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि किसमें प्योर ब्लड बहता है किसमें अनप्योर ब्लड बहता है। ठीक, धमनी से होता है धा से धनी और धा से धमनी, आप लोग समझ सकते हैं। जो धनी व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा मेंटेन रहते हैं, थोड़ा अच्छा दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, धनी व्यक्ति बहुत दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनके पास अच्छा हृदय नहीं होता है जिसको दिल बोलते हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं अंग्रेजी में आर्टरी, आर्टरी मतलब A1 ग्रेड। ठीक, A1 ग्रेड का जिसमें खून बह रहा हो उसको धमनी बोलते हैं, धमनी में A1 ग्रेड मतलब शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब हार्ट से जा रहा है बॉडी में, तो ये प्योर ब्लड है, हार्ट से बॉडी में गया मतलब हार्ट से निकला। ठीक, अब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है।
अब उसके बाद में क्या होगा, इसकी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो होगा ब्लड बहने का प्रेशर कितना है, 120 mmHg है। ठीक, बॉडी में जो ब्लड बह रहा है, मतलब धमनी में, सॉरी धमनी में जो ब्लड बह रहा है उसका प्रेशर 120 है। और गहराई क्या है, ये जो ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ये धमनी नहीं है, जो अंदर है वो धमनी है, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है ये सब वेन है, जो धमनी है वो बहुत गहराई पे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत प्रेशर से बहता है कि ये फट ना जाए, इसलिए भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया है कि ये बहुत गहराई पे उन्होंने कर दिया है। ठीक, और नो वाल, इसमें कोई वाल नहीं पाया जाता है। क्यों वाल क्यों नहीं पाया जाता है, वाल इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि ये बहुत गहराई पे होते हैं और इसमें ब्लड बहुत प्रेशर से जब बहता है, जब ब्लड प्रेशर से बह रहा है तो उसमें वाल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वाल तो बेकार है वाल लगाना। जब पानी कहीं पे मान लीजिए बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है, तो उसमें वाल लगाने से क्या जरूरत है, वाल क्यों लगा दे भाई। तो इसीलिए जब गहराई में है तो, और मोटाई देखिए इसका, ये जो होता है ये मोटा होता है, जो धमनी होती है वो बहुत मोटी होती है और गहराई में होती है, बॉडी के अंदर जो गहराई में है वो धमनी है, इसमें कोई वाल नहीं पाया जाता है। इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, रंग जो है वो लाल रंग का होता है। अब ये शुद्ध रक्त, मतलब इसमें जो है, हमने पहले ही बता दिया कि धमनी में आर्टरी, मतलब धमनी अधा से धनी आप समझ सकते हैं और आर्टरी से A1 ग्रेड आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हार्ट टू बॉडी, जब हार्ट से जो है बॉडी की ओर जा रहा है तो इसमें जो है प्योर ब्लड है, क्योंकि प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, शुद्ध रक्त है। प्योर ब्लड किसको कहते हैं, बहुत अच्छा नहीं दिखता है वो, केवल उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है इसलिए उसको प्योर ब्लड बोल देते हैं, शुद्ध रक्त बोल देते हैं। अपवाद ये है कि जो फुसफुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, उसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। अब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये अपवाद नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। जो पल्मोनरी धमनी जो है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये जो हर्ट होता है ये डायरेक्ट जो है बॉडी को ब्लड सर्कुलेट नहीं कर देता है, ये पहले लंग को भेजेगा कि भैया इसमें ऑक्सीजन मिलाइए। ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है, ऑक्सीजन जो है वो लंग में मिलता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट में आया, हार्ट से लंग को गया, लंग के पास क्यों गया, फेफड़े के पास क्यों गया, वहां पे ऑक्सीजन लेने के लिए गया। तो इसलिए कहा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुफ्फुस, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी क्यों कहा गया, क्योंकि ये लंग जो होता है उसकी धमनी होती है, उसकी उसका जो वाल होता है, उसका जो वाल है उसको जो है फुसफुस धमनी कहा गया। उसमें जो है अशुद्ध रक्त क्यों बहता है, क्योंकि भैया हार्ट से वो लंग के पास गया है ऑक्सीजन लेने के लिए, जब हार्ट से वो लंग के पास गया है ऑक्सीजन लेने के लिए तो वो शुद्ध कैसे होगा, जब वो ऑक्सीजन लेकर लौटेगा तब वो शुद्ध होगा, तो इसलिए उसको अशुद्ध कहा गया है। आप लोग समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे आप लोग सोचने लगते हैं कि भैया आर्टरी में जो है प्योर ब्लड बहता है तो यहाँ पे अनप्योर ब्लड कहाँ से हो गया, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये हार्ट से लंग के पास गया है ऑक्सीजन लेने के लिए, उतने बीच में जो गैपिंग है उसके बीच में जहाँ तक ब्लड सर्कुलेट किया वहाँ पे अशुद्ध रक्त सर्कुलेट किया, इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वेन के बारे में, जो सिराएं होती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक, ये बॉडी टू हार्ट इसका जस्ट अपोजिट है, ये बॉडी टू हार्ट लेकर जा रहा है, मतलब शरीर से हमारे हृदय में लेकर जा रहा है, बॉडी में है ये हृदय में लेकर जा रहा है। इसका प्रेशर जो होता है वो 80 होता है, भाई यहाँ पे तो प्रेशर इसका 120 था, बहुत तेजी से जा रहा था, लेकिन इसका यहाँ पे प्रेशर 80 है। ये उधर से जब लौटेगा, आप लोग सोचिए कि कहीं पे आप लोग गेंद खेलते होंगे तो अगर दीवार पे जोर से मारे तो क्या जितनी जोर से मारे हैं जितना तेजी से वो गया है उतने तेजी से वापस आएगा, ऐसा नहीं होगा। जब इतनी तेजी से गया था, जब वो वापस आ रहा है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक, अब ये त्वचा के नीचे होता है, ये स्किन के जो नीचे होता है इसको कहते हैं वेन। में वाल क्यों पाया जाता है, ये देख लीजिए, ये है वाल, अब ब्लड यहां से जा रहा है। ठीक, ये वापस जा रहा है, अब बॉडी से हेड की ओर जा रहा है। ठीक, अब इधर से गया तो था 120 से, आ रहा है 80 से, तो ऊपर वाले ने सोचा कि अगर ये धीमे 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 आ रहा है तो कहीं पे रुक ना जाए, मान लीजिए पैर में है तो पैरे में ना रह जाए, ऊपर ना चढ़े, तो इसलिए उन्होंने बना दिया वाल, कपाट।
ठीक, जब ये यहाँ पे पहुंच गया, अगर ये थोड़ा धीमे भी हुआ तो ये फटाक से ये बंद हो गया। ठीक, जो वाल्व होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि साइकिल में अगर हवा भरी जाती है तो जब इधर से हवा भर देंगे तो उधर से उसमें एक वाल्व लगा होता है, वो हवा को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक, तो जब ये वाल्व यहाँ पे बंद हो गया तो ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये प्रेशर रिलीज क्रिएट करेगा, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, वाल इसीलिए पाया जाता है, इसका ये जो होता है ये पतला होता है और रंग जो होता है इसका नीला होता है, नीले रंग का दिखाई देता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, इसलिए ये अशुद्ध रक्त है। ठीक, सिरा में क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद इसमें भी है कि फुफ्फुस फुसफुस सिरा जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, जो फुसफुस सिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ यहीं से इसका जस्ट उल्टा हो गया, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, जो फुसफुस सिरा होती है भैया, जब फुसफुस सिरा से वापस आया, यहाँ पे देखिए, गया हर्ट से बॉडी में गया और यहाँ से हर्ट से लंग में गया था ऑक्सीजन लेने के लिए, इसलिए वो अशुद्ध रक्त था। और यहाँ पे जब वो फुसफुस सिरा जो है, ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ये जो है बॉडी से हार्ट की ओर जा रही है, मतलब ऑक्सीजन लेकर जा रही है, तो इसलिए उसको शुद्ध रक्त बोल दिया गया। ठीक, इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बात करते हैं। फिर से ब्लड जो है किस रास्ते से होकर के, कौन कौन से वाल से होकर के वो बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो हमने हार्ट बनाया है, ये हार्ट का ओरिजिनल फिगर नहीं है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्यार पढ़ में पढ़ने वाला हार्ट है। वैसे ये इस समय लोग इसी को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, और अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप लोगों को बनाना भी सिखा देंगे। आप लोग हार्ट का स्ट्रक्चर लगभग 90% लोग नहीं बना पाते हैं, तो हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसी से काम चलाइए। एओर्टा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, उससे पतला आर्टरी होती है मतलब धमनी होती है, और उससे भी पतली छोटी धमनी होती है मतलब आर्टरी होल्स होती है, और उससे भी पतली, ठीक, ये केशिका होती है। आपको थोड़ा सा चोट लग जाता है, हल्का सा रगड़ लग जाता है तो आपके स्किन से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है, ये केशिका होती है, यहाँ पे इसको कैपिलरी कहते हैं, यहीं से खून निकलता है। ठीक, अब उसके बाद में जब केशिका से फिर छोटी सिरा में गया, ठीक, छोटी सिरा को कहते हैं वेनलेट्स, उसके बाद सिरा में गया वेन कहते हैं, उसके बाद महासिरा वेना कैवा कहते हैं, फिर हार्ट में पहुंच गया। जो महाधमनी है वो थोड़ा मोटा है, जो धमनी है वो उससे पतला है, जो छोटी धमनी है वो उससे भी पतली है, फिर कैपिलरीज कहते हैं केशिका, केशिका ही सबसे ऊपर पाया जाता है, ये बहुत पतली होती है, एकदम बाल के समान होती है। ठीक, आप लोग आँख के पास देखेंगे तो बहुत पतली लाल रंग की केशिका दिखाई देगी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जब इसको रिटर्न होना होता है, हार्ट टू बॉडी ये गया है, अब बॉडी टू हार्ट जाएगा, मतलब ये जो सिरा है उसके बारे में, जो सिरा है सबसे पहले वो छोटी सिरा में जाएगा, फिर सिरा में, फिर महासिरा में। ठीक, ऐसे ही अगर हम इंग्लिश में बात कर ले तो हार्ट टू एवोर्टा, एवोर्टा टू आर्टरी, आर्टरी टू आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर छोटी सिरा को कहते हैं वेनलेट्स, फिर वेन, फिर वेनाकावा। ठीक, वेनाकावा जो होता है वो सबसे मोटा मतलब सबसे बाहरी पार्ट होता है, समझ लीजिए। इसके बाद अभी हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे हार्ट के बारे में तो उसमें आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अगर एओर्टा की बात की गई है तो महाधमनी के बारे में बात किया गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड, जिनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, कुछ ब्लड कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।